हेलो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत जो मॉड्यूल 5 है, और मॉड्यूल 5 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो भाग है जिसमें आईसीटी शिक्षण शास्त्र का समेकन किया गया, और ऑनलाइन रहते हुए किस प्रकार से अपनी सुरक्षा को रखें और किस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है, विशेष तौर से कोविड-19 के दौर में स्टूडेंटों का ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव जो सोशल मीडिया से हो गया है, और स्टूडेंट्स हों या गार्जियन हों या शिक्षक हों, सभी लोग सोशल मीडिया से यानी डिजिटल मीडिया से जो जुड़े हुए हैं उसके जो नुकसान हैं, या साइबर क्राइम की अगर हम बात करें तो बहुत परेशानी या बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं, उनसे सुरक्षा किस प्रकार से अपनी की जाए, तो उन सभी सुरक्षा उपायों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताया गया। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो कहीं पर भी स्किप ना करें। साथ ही किस प्रकार से सुरक्षा करना है, आपको अपनी जो निजी जानकारी है वो शेयर करनी है या नहीं करनी है, इसके लिए जो मॉड्यूल के अंतर्गत ट्रेनिंग है आप ट्रेनिंग को विधिवत करें। साथ ही उसके बावजूद यहाँ पर जो मैंने संग्रह किया है वीडियो के अंदर, इस वीडियो के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को संग्रह किया है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखें। नमस्कार, जानने की कोशिश इस वीडियो में हम ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा और स्कूली शिक्षा में इसके निहितार्थ पर चर्चा करेंगे। आमतौर पर ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा का पर्यायवाचक साझेदार, समुदाय निर्माता और प्रभावशाली शिक्षण को अंजाम देने वाले कार्यकर्ता के रूप में सुदृढ़ रूप। अभी जो हम लोगों ने, सभी साथियों ने वीडियो देखा, उसकी एक झलक हमने दिखाई। आप अपने ट्रेनिंग के दौरान जब आप निष्ठा का मॉड्यूल 5 की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप जरूर पूरा वीडियो देखेंगे, जो 11 मिनट और 49 सेकंड का था, इसको आप पूरा वीडियो देखें। उसी की ये प्रतिलिपि है जिसको PDF रूप में ये दर्शाया गया है लिखित रूप में, तो इसको भी आप जरूर पढ़ें और इसको संग्रहित करके अपने पास जरूर रख लें। और इसको संग्रहित करने के लिए आप इसे डाउनलोड करके अपने इसी मतलब दीक्षा जो ऐप है इसी में ही पड़ी रहेगी, जब चाहें तब इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसे रखना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है आपको, क्योंकि हर बात हर चीज़ आप इतना लर्न नहीं रख सकते, याद नहीं रख सकते, क्योंकि अभी जब विद्यालय आपके शुरू होंगे तब आपको विद्यार्थियों के साथ में, अपने छात्रों के साथ में इन क्रियाकलापों को किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार से उनके साथ शेयर करना है, कैसे ICT का प्रयोग करना है, तो इनसे संबंधित कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं आप, लेकिन सभी नहीं रख सकते, इसलिए ये आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ पढ़ा पसंद आई होगी। आप देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या और इम्पोर्टेंट है, इसमें उसके बारे में जान लेते हैं। अब ये गतिविधि 5 है, डिजिटल सत्र की योजना। योजना आप डिजिटल सत्र की किस प्रकार से बनाएंगे उसके बारे में, तो विचार करें कि ये गंभीर चक्रवात है और छात्र कक्षा में आने की स्थिति में नहीं है। इस दशा में अपनी कक्षा को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों की योजना बनाएं जो आपके विषयों के शिक्षण सीखने के लिए आयोजित की जा सकती है। अपने छात्रों के साथ उन गतिविधियों का संचालन करने का प्रयास करें और अपने अनुभव के बारे में एक डायरी लिखें। तो ये जानकारी इसमें दी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या और दे रखा है, नेक्स्ट पर चलते हैं। और जैसे ही नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे तो एक ऑनलाइन शिक्षण के दौरान सुरक्षा, बचाव और गोपनीयता, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चों को इसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। इस साथ दौरान सुरक्षा और नैतिक पहलुओं को ध्यान में रखने के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत ही कम उम्र में हमारे विद्यार्थियों साइबर की दुनिया में परिचित हो रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालयों को बंद करना पड़ा, लेकिन विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सीखने का निरंतर प्रक्रिया को सुनिश्चित करने में प्रयास किए जा रहे हैं। लाखों शिक्षक और छात्र ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में भी भारी वृद्धि हुई है। समकालिक या अतुल्यकालिक संचार के साथ साथ इंटरनेट सर्फिंग के लिए सोशल मीडिया का उपयोग
शिक्षकों के साथ साथ छात्रों में भी कई गुना बढ़ा है। हालांकि डिजिटल दुनिया में बच्चे अत्यधिक असुरक्षित है, क्योंकि वो डिजिटल दुनिया में होने वाले खतरों से अवगत नहीं है टेक्नोलॉजी के उपयोग करने का। याद रखें कि डिजिटल हुए किसी को भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप इन मुद्दों को समझ सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। अभी जो हमने वीडियो देखा उसी की ये प्रतिलिपि है, एक लिखित रूप है, उसको हम समझने की कोशिश जरूर करें और साथ ही साथ इसको भी आप समझें और अपना नोट्स जरूर बनाएं। यदि आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि इसकी नोट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो आगे जो आने वाले कुछ वीडियो हैं वो मैं बहुत जल्दी डालूँ। इसके पहले जो 3 मॉड्यूल हो चुके हैं उनके ऑलरेडी हम इसका नोट्स या डायरी डाल चुके बनवा के, तो वो आप देख सकते हैं। उसका PDF हम हमारे चैनल से, हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें वही है, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समन्वय इस वीडियो में है। मैं ऑनलाइन शिक्षा के दौरान सुरक्षा और नैतिक पहलुओं को ध्यान में रखने के बारे में इसमें बात की गई। अब इसमें किस प्रकार से आप अपने कुछ चीज़ों को मन मस्तिष्क में रखना है और जो अपने छात्र हैं स्टूडेंट COVID-19 के कारण विद्यालय में नहीं जा सके हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश की, उसमें ये आपको ध्यान रखना है। आप उनके गार्जियन हैं या आप शिक्षक हैं तो उनका ये ध्यान रखना है कि वो कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वहाँ पर काफ़ी कुछ आपकी निजी जानकारियों को हैक कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है, उसका गलत उपयोग भी किया जाता है। तो इस बारे में इसमें जानकारी दी गई। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं इसी वीडियो में और क्या दिया गया उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं यहाँ पर गतिविधि 6 नंबर ओपन हो रही है, इसमें क्या है, ऑनलाइन रहते हुए सुरक्षा और सुरक्षा के उपाय। तो ऑनलाइन जब हम लोग रहते हैं तो किस प्रकार की सुरक्षा रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए सुरक्षा आवश्यक है। तो ये जो आप निशान देख रहे हैं कहाँ पे क्या है, इस पर प्लस पे निशान करके देखते हैं, सबसे पहले वाले पर करते हैं तो इसमें क्या दिखता है, किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत जानकारी जैसे आयु, पता, फ़ोन नंबर आदि को साझा ना करें, क्योंकि इससे पहचान की चोरी हो सकती है। अपने छात्रों को भी यही सलाह दें। उसके बाद नेक्स्ट प्लस पर क्लिक करके देखते हैं तो इसमें क्या ओपन होके आता है, पासवर्ड दिशा निर्देशों के अनुसार अपने सभी डिजिटल खाते, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, ई कॉमर्स आदि के लिए एक मजबूत पासवर्ड बनाएं और दुरुपयोग को रोकने के लिए अक्सर पासवर्ड बदलते रहें। उसके बाद में नेक्स्ट पर जब हम क्लिक करेंगे, छात्रों को सलाह दें कि वे अपने माता पिता या अभिभावक के अलावा किसी और को पासवर्ड ना बताएं। तो ये ऑनलाइन रहते हुए सुरक्षा और सुरक्षा के उपाय हैं, इनको बहुत ही ध्यान से समझना है। इसका केवल परिचित लोगों के साथ ही संवाद करें। और नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी वेबसाइट या मैसेजिंग ग्रुप पर तस्वीरें, वीडियो और कोई भी संवेदनशील जानकारी पोस्ट करते समय सावधान रहें। उदाहरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाओं के दौरान आपके ऑनलाइन कक्षाओं या आपके छात्रों की छवियों की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑनलाइन अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि आवश्यक ना हो। उसके बाद नेक्स्ट पर जब प्लस पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन कक्षाओं के प्रतिभागियों पर सख्ती से नज़र रखी जानी चाहिए। सभी प्रतिभागियों को अपने असली नाम का उपयोग करना चाहिए और शुरुआत में अपना चेहरा दिखाकर अपना परिचय देना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्लस पर क्लिक करके, तो यहाँ पे ऑनलाइन कक्षाओं के लिंक को पासवर्ड से सुरक्षित किया जाना चाहिए और प्रत्येक प्रतिभागी के साथ व्यक्तिगत रूप से साझा किए जाने वाले लिंक होने चाहिए। नेक्स्ट पर प्लस पर क्लिक करके देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है, तो छात्रों के साथ स्क्रीन साझा करते वक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है, किसी के साथ भी। उसके बाद नेक्स्ट पर चले तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर के उपयोग से बचें। ओपन सोर्स या लाइसेंस खरीदे गए सॉफ्टवेयर
या ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग ही करें। उसके बाद नेक्स्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से मिलता है दूसरों की भावनाओं को आहत करने वाली कोई भी पोस्ट ना करें, छात्रों को वही सलाह दें। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेटवर्किंग साइटों पर अपने दोस्तों या छात्रों की जानकारी को पोस्ट ना करें जो उन्हें जोखिम में डाल सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करके देखते हैं तो एक विश्वसनीय स्रोत से इसे सत्यापित किए बिना जो कुछ भी आप सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं उसे आगे ना भेजें। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के बाद अपने खाते को खुला ना छोड़ें। जब आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हों तो लॉग आउट ज़रूर कर दें। उसके बाद में फिर से प्लस पर जाएंगे तो तकनीक नेटवर्क या कंप्यूटर पर व्यक्तिगत यूएसबी या हार्ड ड्राइव जैसे व्यक्तिगत उपकरणों को उपयोग ना करें। तो इस प्रकार से आप अपने अपने आप को, साथी अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को और जो भी इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जानकारी नहीं है ऑनलाइन से संबंधित, जुड़े तो हैं लेकिन उन्हें सुरक्षा या सुरक्षा के उपाय के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो उन्हें इस बारे में जानकारी ज़रूर कराएँ। आगे और देखते हैं, यहाँ पर विषय सामग्री प्रौद्योगिकी एकीकरण एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो सामग्री और शिक्षा शास्त्र के साथ ICT एकीकरण शिक्षकों की दक्षताओं पर निर्भर करता है। अधिकांश कक्षाएं पूरी तरह से ICT आधारित सत्र नहीं हो सकती हैं, बल्कि यह एक मिश्रित विधि होती है जिसमें ICT आधारित गतिविधियों को पारंपरिक शिक्षण सीखने के अनुभवों के साथ मिश्रित किया जाता है। शिक्षण शास्त्र और मूल्यांकन में ICT को एकीकृत करने का कौशल अभ्यास और प्रौद्योगिकी शिक्षा और विषय वस्तु ज्ञान के आधार पर विकसित होता है। तो इस प्रकार से इसमें ये जानकारी, जैसे ICT एकीकृत गतिविधियों की उदाहरण है, विषय विज्ञान कक्षा 8 अध्याय फसल उत्पादन और प्रबंधन, विषय फसलें और फसल के प्रकार, सीखने के प्रतिफल की बात करें तो कृषि फसल, खरीफ, रबी, नकदी और खाद्य फसल एवं इन शब्दों को परिभाषित करने विभिन्न प्रकार की फसलों के उदाहरण दें। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं समझकर ये शिक्षण योजना, इसी प्रकार से ICT का किस प्रकार से इसमें आपको प्रयोग करना है, अनुभव के साथ में वो चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। तो इस PDF को आप पूरा ज़रूर देखें, फसलों के बारे में इसमें डिटेल में दर्शाया गया है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इसमें और क्या दिखाया गया है उसको हम देखने, सारांश की बात की गई है। तो ये पूरा प्रशिक्षण हमने देखा, उसका क्या सारांश निकल के आया उसको देख लेते हैं एक पेज में, तो क्या है इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो यह सारांश, सारांश में कहा है डिजिटल सूचना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डिजिटल सुसृजन, संग्रहण, पुनः प्राप्ति, फिर बदल, भेजना, प्राप्त करना। ICT क्या है? ICT शिक्षण शास्त्र समीकरण है। क्यों है? दुनिया से जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना, ICT सृजन, ICT के साथ परस्पर संबंध स्थापित करना, लोगों तक पहुंचकर अंतर को पाटना। और इसके बाद में फिर देखते हैं ICT समीकरण की बात करें तो विषय वस्तु, संदर्भ और शिक्षण शास्त्र के आधार पर उपयुक्त ICT का चयन, कक्षा में उचित ढंग से प्रयोग कैसे करें, विषय वस्तु का विश्लेषण करें और विषय वस्तु के स्वरूप को पता लगाएं, सामग्री के स्वरूप के अनुसार उपयुक्त शिक्षण शास्त्र का पता लगाएं, शिक्षण शास्त्र के अनुसार उपयुक्त ICT का चयन करें, सार्थक ढंग से विषय वस्तु और शिक्षण शास्त्र और ICT में समीकरण करें, कक्षा वातावरण, विद्यार्थियों की विशेषता, सामग्री के लिए महत्ता, विद्यार्थी के लिए उपयुक्तता, ICT की व्याख्या करने में कुशलता और लागत। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ICT का सारांश के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं, क्या इसका उपयोग है उसको आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारांश तक पहुंच गए। अब इसके बाद में जो प्रश्नोत्तरी है उसका ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख लें, साथ ही यहाँ तक ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।